वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में हम लॉग टेबल देखना सीखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो चल रहा है उसको आगे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए आपको लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो बार बार मैं जब लॉग को सॉल्व करूंगा तो वहां पर आपके लिए एक डाउट, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि सर लॉग टेबल देखते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, लॉग टेबल आपके पास में आपके एग्जाम्स में आपको टीचर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, उसे देख करके ही आपने करना है। बट लॉग टेबल देखना कैसे है ये आना चाहिए। अब लॉग टेबल आपके पास में आ तो जाएगा बट आपको देखने नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं आप ले पाएंगे। तो आइए आज की क्लास में हम समझते हैं कि लॉग टेबल आपको देखना कैसे है। तो यहां पर आप आते हैं, सबसे पहले मैं बिल्कुल हर चीज के ऊपर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा लॉग टेबल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसे कैसे देखना है। सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर क्या डिजिट्स आपको नजर आ रही है बच्चे, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। यहां देखिए, क्लियर है, देखो बच्चे ये आपका लॉग टेबल है। देखिए लॉग टेबल में सबसे पहले आपको ये देखना है कि लॉग टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इस कॉलम को देख रहे हो, इस कॉलम को देख रहे हो आप, ये आपका मेन कॉलम है, दिस वन, ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका मेन कॉलम है जो आपके बाहर की साइड में, ये वाला पूरा सेगमेंट ये मेन कॉलम है, ठीक है बच्चे। और ये आपका डिफरेंसेस है और ये आपका मीन कॉलम है, ठीक है ना, मीन डिफरेंसेस भी इसको बोलते हैं, इसको डिफरेंसेस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, मीन डिफरेंसेस बोलेंगे, जो ये वाला पार्ट है आपका। तो इस पूरे कॉलम को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट और एक कलर अलग कर देता हूं, एक ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चे, जिसको डिफरेंसेस बोलते हैं, दिस वन, ये वाला पार्ट और एक ये पार्ट। तो आपको नजर आ रहा है, तो पूरे कॉलम को मैंने क्या किया, पूरे टेबल को आपको ये एग्जाम में प्रोवाइड करवाएंगे, पूरे टेबल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम इसको मेन कॉलम कहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड डिफरेंस, एंड ये आपका मेन डिफरेंस होता है। अब आप लॉग 1, 2, 5, 7 की, अब लॉग की इंपॉर्टेंस कहा है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूं, लाइक आपके पास में है कि 5 raised to power 2/9, अब आप 5 की पावर 2/9 आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो यहां पर इसके पावर को जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो वहां पे आप लॉग की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पे लॉग लगाएंगे वो बोथ साइड लेंगे लॉग, तो लॉग लेने से क्या होता है पावर आपका नीचे आ जाता है, तो लॉग 5 हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा। अब आपको लॉग 5 सॉल्व करना आएगा तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे बच्चे, तो इस यहां पर आपको लॉग का यूज होगा। तो आज फिलहाल क्वेश्चन को बाद में करेंगे, आज लॉग टेबल कैसे देखते हैं इसको करेंगे। तो आपके पास एक पहला क्वेश्चन आपके पास में क्या, लॉग 1, 2, 5, 7 की वैल्यू देखनी है आपको, ठीक है, किसकी वैल्यू देखनी है आपको, 1, 2, 5, 7, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें से पहले दो डिजिट पे फोकस करेंगे, फर्स्ट टू डिजिट पे। इस फर्स्ट टू डिजिट को आप किसमें देखोगे, मेन कॉलम में देखोगे, किसमें देखोगे आप, मेन कॉलम में देखोगे फर्स्ट टू डिजिट को। तो 12 कहां पर है बच्चे, तो 12 आपका ये रहा, ये यहां पे, दिस वन, ये रहा, ठीक है बच्चे, समझ में आया आपको, क्लियर है। उसके बाद आपको आपके पास में क्या है, 5 है ना, उसके बाद आपके पास में 5 है, इसको आप डिफरेंस वाले कॉलम में देखोगे, तो आपके पास में 12 इसी रो में रहना है, अब आपको यहीं पर रहना है आपको, और 5 नंबर पे ध्यान रखना है, 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 मत कर देना, 0 से स्टार्ट होता है, तो 5 नंबर पे इसी पे रहना है आपको, और 5, दिस वन। तो ये क्या वैल्यू आई इसकी, इसकी आपके पास में वैल्यू आई 0, 9, 6, 9, ठीक है। अब आपके पास में एक फिगर क्या बचा, आपके पास में एक फिगर बचा 7, ये लास्ट वाला डिजिट, ठीक है, ये आपको मेन डिफरेंस में देखना है, तो 7 इसी में, इसी लाइन में ही रहना है आपको, इसी लाइन में रखना है,
और मीन डिफरेंस में जाना है, ठीक है बच्चे। तो मीन डिफरेंस में ये क्या आया आपका, मीन डिफरेंस में आपके पास में ये आया 24, ठीक है। तो बस जो ये 24 है ना, इसको आपको नीचे लिखना है और इसमें ऐड कर देना है। तो 13 आपके पास है 1990, ठीक है बच्चे, क्लियर है, ये समझ में आया क्या आया, कैसे देखते पता लगा आपको। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब देखो आप बच्चे सबसे पहले कि कितने डिजिट पे काम कर रहे थे आप, कितने डिजिट्स पे काम कर रहे थे आप। टोटल 4 डिजिट पे काम कर रहे थे, कितने डिजिट पे काम कर रहे थे आप 4 डिजिट पे काम कर रहे थे, कितने डिजिट पे, 4 डिजिट पे काम कर रहे थे। इसमें से 1 माइनस करना है, ऑलवेज 1 माइनस करना है, तो बच गया 3, क्लियर है बच्चे। अब क्या करोगे, इसके आगे एक पॉइंट लगा करके और ये आप 3 यूज करोगे, समझ में आया आपको, क्लियर है, कोई डाउट। तो ये आपके पास में log 1257 की वैल्यू आ गई, क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, एक आप ट्राई करो, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। हाँ जी बच्चे, लॉग का यूज आपके स्टैट्स में ज्योमेट्री मीन में होता है और मैथ्स में, मैथमेटिक्स और फाइनेंस में होता है, इसलिए आपके स्टैट्स की बुक में भी आपके पास में लॉग टेबल आपका रहता है और आपके पास में मैथमेटिक्स, ये मैथ्स में भी आपके पास में बुक जो है जेके टकराल, उसमें भी आपके पास में लॉग का टेबल रहेगा, इसे दोनों के लिए मैंडेटरी है सीखना। चलो इसको जल्दी से करके आप कमेंट करें, जल्दी फास्ट करें। बच्चे पूछे क्लास 30 मिनट्स होती है, पीछे क्लास ज्यादा लंबी होती है, लेकिन जो बच्चों को मैं क्वेश्चन करने के लिए देता हूं वो सब मैं रिकॉर्डेड से एडिट कर देता हूं, काट देता हूं, तो कंटेंट डिलीवर होता है। बट अगर आप लाइव क्लास में देखेंगे तो ज्यादा ड्यूरेशन की क्लासेस होती हैं आपकी, बट आप रिकॉर्डेड देखोगे तो उसमें जो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं या फिर वो चीजें, वो टाइम जिसमें कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो सारे टाइम हम काट देते हैं, इसलिए वो जो रिकॉर्डेड क्लासेस की टाइमिंग कम जाती है। नॉर्मल कैलकुलेटर ही आपके एग्जाम में अलाउ होता है, तो आप वैसे कैलकुलेटर को लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। एक बच्चे ने आंसर कर दिया, मैं सॉल्व करवा रहा हूं सामने, देखिए। अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लॉग आपके पास में डिजिट 1771, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, फर्स्ट 2 डिजिट को ले लें आप 17, तो मार्क कर लीजिए इसको, दिस वन। अब आपका डिफरेंस क्या है, 7, तो 7 पे आप आएंगे, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7, दिस वन 2 4 8 0 2 4 8 0, ठीक है बच्चे। एंड उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपके पास है मीन डिफरेंस 1 है, तो इसी पे आएंगे और 1 पे आएंगे, सीधा 1 से स्टार्ट होगा आपका, तो 1 पे क्या आपका 2 है, तो यहां पे नीचे 2 लिख के इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 4 8 2, डन। डिजिट कितने हैं बच्चे बताएं जरा, यहां पर 4 डिजिट है, इसमें से 1 माइनस कर दें आप तो आपके पास में कितने डिजिट हो गए, कितने बचेगा आपको 3, तो बस इससे पॉइंट लगा करके इससे पहले आपको 3 ले लेना है। ये काम आपका एक एक्स्ट्रा काम आ जाता है, मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं इसको, और बस फिर आपका आंसर आपके सामने आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, 3.282, 3.2482, ठीक है, 2482, वेरी गुड, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो अब तो 4 डिजिट वाले को आपको देखना आ गया है, क्लियर है बच्चे। अब मैं आपको 3 डिजिट में आपको लॉग वैल्यू कैसे देखते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ये देखें यहां पर आप, पूरा एक पेज, देखो बच्चे
तीन क्वेश्चन है, एक मैं करवा देता हूं, बाकी के दो आप ट्राई करेंगे। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास में क्या है, 1, 2, 3, तो वैसे ही देखेंगे। सबसे पहले मेन कॉलम में फर्स्ट टू डिजिट देखेंगे आप, तो 12, तो 12 आपके पास से बचे ये। उसके बाद आपका डिफरेंस में जाएंगे 3 पे, तो डिफरेंस में आप 3 पे जाएंगे दिस वन, तो क्या है 0899, 0899। आप बच्चे इसमें 4 डिजिट तो है नहीं, तो इसलिए आपको यहां पर मीन डिफरेंस में जाने की नीड ही नहीं है, ये तो और भी आसान हो गया, वो लेने की जरूरत ही नहीं है। बस सिंपल कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं बच्चे, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो इसमें से -1 करो तो क्या बचेगा 2। तो बस इसके आगे क्या करना है आपको, ये एडिशनल वर्क होता है आपका, पॉइंट लगा करके 2 आप लिख दें, और ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया, क्लियर है? अब जरा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप ट्राई करो। ये क्लासेस दोनों के लिए, बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए, दोनों में ही लॉग टेबल देखना आना चाहिए। डन बच्चों, चलिए देखिए जरा। चलो दोनों बच्चों ने आंसर कर दिया है। देखिए यहां पर आपके पास में बच्चे वैल्यू है 1, 6, 8, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 2 डिजिट्स आप अपने देखें, इसको आप मेन कॉलम में देखेंगे 16 में, ये रहा। उसके बाद आप डिफरेंस कॉलम में देखेंगे 8 को, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 5, 3, बस 2, 2, 5, 3, ठीक है बच्चे? अब यहां पर आपको ऑब्जर्व करना है कितने डिजिट्स हैं, यहां पर 3 डिजिट्स हैं, तो इसमें से आप क्या करें, -1 तो क्या बचेगा 2, तो बस इस 2 को आगे रखते हैं, और ये आपका तो 2.2253, ठीक है बच्चे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, 132 का। तो आपको ये 13 मेन कॉलम में देखना है आपको, और 13 में क्या देखना है आपको, 2 देखना है, तो 0, 1, 2, 1, 2, 6, 1, 2, 0, 6, एंड 3 डिजिट है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे। डिजिट्स कितने हैं बच्चे, 3 डिजिट है, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, तो 2.1। अब थोड़ा फास्ट हो रहा है आपका, अब तो 3 डिजिट का हो गया बच्चे, अब 2 डिजिट का कैसे देखेंगे, सवाल ये है ना, ठीक है? तो आइए मैं बताता हूँ 2 डिजिट का कैसे देखेंगे आप। आप क्या करें, ये आपके पास में क्या है 18 है ना, लेकिन आपको कम से कम एटलीस्ट आपके 3 डिजिट तो होने ही चाहिए लॉग टेबल देखने के लिए, क्योंकि आपके फर्स्ट 2 डिजिट से तो सिर्फ आपको आपका मेन कॉलम पता लगता है, वैल्यू पता नहीं लगती ना। 4 डिजिट से तो आपको सब कुछ आप देखते हैं, बट 3 डिजिट एटलीस्ट होना चाहिए। 2 डिजिट से आप कैसे निकालेंगे, तो 2 डिजिट का कभी आपको निकालना पड़े तो एक काम कर लो आप, पॉइंट लगा करके 0 ले लो, इसको 3 डिजिट में आप इसको ट्रांसफर कर दो। क्लियर है बच्चे? अब बस आप पॉइंट को बिल्कुल ही अवॉइड करके चलें, बिल्कुल अवॉइड करके चलेंगे पॉइंट को। तो आप यहां पर आप इसको क्या कंसिडर करेंगे, ये आपके पास में ये देखो, ठीक है? आपको बेसिकली किसका लॉग लेना है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 18 का लेना है। तो आप क्या करो, इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए एक 0 दे दो। अब आपको क्या देखना है, मेन कॉलम में क्या देखना है आपको, 18 देखना है, तो मेन कॉलम में आओ, 18 का है, दिख रहा है यहाँ से एक कटा हुआ पार्ट आ रहा है आपका, ठीक है बच्चे? ये देखिए वैल्यूज दिख रही है ना आपके फोन में, लैपटॉप पे, हाँ दिख रही होंगी,
लाइक आपके पास में 14 है, 2 डिजिट है, तो एक काम करो 3 डिजिट आपके पास में मिनिमम चाहिए चाहिए, तो पॉइंट लगा के 0 ले लो, 14 पे 0 देखना है आपको, बहुत सिंपल है, 14 और ये पे 0, क्लियर है बच्चे, बात समझ में आया आपको, 14 पे 0 क्या है, 1461, क्या आपके पास में 1461, 1461, क्लियर है, अब बस वही काम करना था, कुछ नहीं करना था, अब आपको डिजिट्स कितने हैं आपके पास में, इसके पास में 2 डिजिट्स है ना यहाँ पे, बस इसका फर्क पड़ जाएगा ना, डिजिट्स कम है और कुछ फर्क नहीं पड़ना, 2 डिजिट्स है आपका, तो इसमें से आप एक कम कर दो तो कितना बचेगा आपका एक, इसको लिखोगे 1.1461, दिस वन ये आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर है बच्चे, अब नेक्स्ट 2 आप करके दिखाएं जरा, डन, देखो लॉग 18 है बच्चे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस 2 डिजिट को आपको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, आप 18 पे आपको 0 देख रहे हैं, देन 18 पे आपका 0, 2553, 2553, और आपको पता है कितने डिजिट से हैं, 2 डिजिट से, इसमें माइनस 1 करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 1, देन 1.10, इसी तरीके से आपके पास में एक और क्वेश्चन है जहां पर आपके पास में 20 है, इसको 3 डिजिट में एक्सप्रेस करोगे 220.0, और 20 पे 0 देख लेना है आपने, आपके पास में क्या है 3010, 3010, क्लियर है बच्चे, अब 2 डिजिट है जिसमें से आपको 1 माइनस कर देना है, तो आपके पास में 1 बचेगा, देन 1.10, ये आपका आंसर है, क्लियर है बच्चे, ये क्या कर रहे हो, अच्छा 1.3010, ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास में सिंगल डिजिट में क्वेश्चन आए, अगर सिंगल डिजिट में आ जाए तो क्या करोगे, सवाल ये है ना, मैं देखो मैं हर केस आपको बताता हूं, ये नहीं कि सिर्फ एक केस आपको डिस्कस किया और फिर आगे सवाल अलग अलग आए तो आप फंस गए, ऐसा नहीं है, दिख रहा है, चलो ठीक है, ठीक है, देखो यहां पर देखो बच्चे आप लॉग टेबल कैसे देखोगे आप, जैसे कि आपके लॉग 1 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम कितने डिजिट के रिक्वायरमेंट है आपको, 3 डिजिट, तो कैसे लिखोगे 1 के बाद पॉइंट लगा के 2 जीरो ले लो 3 डिजिट के लिए, तो आप पॉइंट को अवॉइड करो, देखने में फर्स्ट 2 डिजिट क्या आपका इसमें 10, तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 10 दिस वन, और उसमें क्या आपका 0, तो आपके पास 0 क्या है ये दिस वन, तो इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चे 0 इसकी वैल्यू आई, ठीक है, क्लियर है, और आपको बस ये आंसर नहीं है क्योंकि आपके कितने डिजिट हैं, आपके पास में 1 डिजिट है ना, देखो इसमें से माइनस 1 करो तो क्या आएगा 0, तो इसमें से आपके पास में पॉइंट से पहले 0, तो बेसिकली इसका आंसर 0 ही आया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आपको बच्चे, अब लाइक लॉग इसको हटाते हैं, आपको वैल्यू देखनी है लॉग 2, तो ये 2 एक डिजिट है, इसको मिनिमम 3 डिजिट चाहिए, तो 0 एंड 0, तो 20 पे 0 देख लो आप क्या है, तो 20 पे 0 दिस वन, तो 3010, 3010, और ये कितने डिजिट है, ये आपका 1 डिजिट है, तो माइनस 1 करेंगे तो 0, तो 0 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, 0.3010, क्लियर है, अब लॉग 3 की वैल्यू कैसे देखोगे आप, अब आपको समझ में आ गया, क्लियर है बच्चे, कर लोगे आप लॉग 3,
लॉग 3 की वैल्यू, तो 3 है, इसको मिनिमम 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 30 पे 0 देख लो आप, तो 30 पे 0 दिस वन 4771 4771 कितने डिजिट से है, ये 1 डिजिट है, माइनस 1 कर दो तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 पॉइंट दिस, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको, कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब बच्चे अगर 5 डिजिट में आ जाए तो, क्योंकि आपको पता कि मैक्सिमम 4 डिजिट ही हम देख सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 डिजिट ही देख सकते हैं, बट आपके पास में अगर सवाल 5 डिजिट में आ जाए तो कैसे होगा, मैं आपको हर सिचुएशन सिखा रहा हूँ लॉग का, इसके बाद फिर मैं आपको एंटी लॉग का सिचुएशन सिखाऊंगा, तो आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों देखने आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। पहले आप ये सीख लीजिए, 5 डिजिट में हो तो कुछ नहीं आपके पास में, क्वेश्चन क्या है बेसिकली, मैं लिख देता हूं दोबारा से, लॉग 1 2 3 4 6, ठीक है, आपको 4 डिजिट ही कंसीडर करना है, दिस वन, 8 डिजिट को छोड़ दो, भूल दो, भूल जाओ, लेकिन ऐसे नहीं भूलना, थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो डिजिट आपका बचा हुआ है ये क्या है, ये ग्रेटर देन 5 है ना, हम तो 5 से कंपेयर करेंगे, तो ये जो लास्ट डिजिट है आपका, उसका आपका एक बढ़ जाएगा फिर, अगर ग्रेटर देन 5 है, 5 या ग्रेटर देन 5 है, 5 भी है तब भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लो, लॉग 1 2 3, इसमें एक ऐड कर दो 5, अगर 3 2 होता ना यहाँ पे 4 होता तो मैं इसको अवॉइड ही कर देता, सिंपल सा यही रिपीट कर देता, एक जब बढ़ेगा जब आपका फिफ्थ डिजिट जो है ग्रेटर देन 5 है। अब बस वही काम करना है आपको, आपको क्या काम करना है, आपको निकालना है 1 2 3 5 की वैल्यू, तो 12 पे 3 जाओ आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 एंड इस पे आपको 3 बजाना, तो 0899 0899, क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, कोई डाउट? क्लियर है, देख लो पहले, कोई डाउट है तो पूछो। हां जी इसका है स्टडीज में व्यूज, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब बस आपको क्या करना है, सिंपली कितने कर लिया आपने, अब आपको ये 3 लेना आपने, अब आपको 5 लेना है, 5 किस में लोगे आप, सेम इस पे जाओगे, फाइव, ठीक है, तो क्या है 17, देन इस पे 17 आप ऐड करोगे, तो आपके पास 9 और 7 16, 1 10 और 11 और 1 9, ये आया आपका, ठीक है। अब बताओ बच्चे आपके पास में कितने डिजिट्स थे, इस क्वेश्चन में देख के बताओगे कितने डिजिट्स थे, क्वेश्चन में देख के बताओगे तो आपके पास में कितने डिजिट्स थे, टोटल टोटल आपके पास में 5 डिजिट थे, तो यहाँ पे कितने डिजिट थे, 5 डिजिट्स थे, उसमें से माइनस 1 करोगे तो कितने डिजिट बचेंगे, 4, तो पॉइंट लगा करके 4, दिस वन, ये आपका करेक्ट आंसर है, तो 4.0916, ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक लॉग टेबल देखना आ रहा है, समझ में आ रहा है, मैं बड़े आराम तसल्ली से पढ़ा रहा हूं। अब है कि सर डेसिमल के केसेस में हम लॉग टेबल कैसे देखेंगे, मैं एक करवाऊंगा बाकी सब आप करोगे, अभी ठीक है, देखो बच्चे डेसिमल के केसेस में आप डेसिमल को अवॉइड करो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, मेरी बात समझिए इस चीज को, ठीक है, आप सिंपल लिखें 1 2 6 3, पहले आप फिलहाल डेसिमल को अवॉइड करो, वही काम करो, मेन कॉलम में 12 चेक करो, दिस वन, एंड उसके बाद आपका डिफरेंस में 6 चेक करो, डिफरेंस में 6, 1004, 1004, अब आपका मीन डिफरेंस में आपको 3 चेक करना है, सेम 3 पे दिस वन 10, अब क्या करो इसको 10 को इसको ऐड करो, अब तक तो आपके पास में स्पीड आ जानी चाहिए 4101,
क्लियर है। अब बस यहां पे डिजिट कितने हैं उसका खेल है। इसमें देखो डिजिट कितने हैं, इसमें ये पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, ये टू डिजिट है, फोर डिजिट मत लीजिएगा, टू डिजिट है। तो इसमें माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा आपका वन, उसको आप क्या लिखोगे 1.10, ये आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तो पहले पॉइंट अवॉइड करके नॉर्मली अपना आपने फिगर कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है बच्चे, 1014 इसका आंसर आया। लेकिन उसके बाद वो डिजिट्स को काउंटिंग में पहले चार डिजिट आ रहा था, बट डेसिमल है दो डिजिट का, तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, टू डिजिट है, माइनस वन करके आपको वन लिखना है यहाँ पर, थ्री पॉइंट समथिंग नहीं लिखना आपको। क्लियर है, आप ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चे डन, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसमें लाइक 296.2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेन कॉलम में जाएं 29 में, तो 29 आपका ये है, और उसके बाद आपका 6 पे जाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 4 7 1 3 4 7 1 3। उसके बाद आप मेन डिफरेंस में जाएंगे तो मेन डिफरेंस आपका 2 है, तो सेम 1 2, तो क्या है आपका 2 पे 3, देन इसको आप ऐड करें तो 4 7 1 6 ये आ गया बच्चे, ठीक है ना, ऐड करोगे। अब आप देखो कितने डिजिट से यहाँ पर पॉइंट से पहले, तो पॉइंट से पहले आप डिजिट काउंट करोगे तो आपको तीन डिजिट है, कितने डिजिट से यहाँ पे, यहाँ पर 3 डिजिट है, इसमें से माइनस वन करोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो बस पॉइंट लगा के यहाँ पे 2, ये काम आपके पास में है। अब एक्सपेक्टेशन आप, मैं कर सकता हूं आपसे कि आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो, आपको कुछ दो डिजिट में कैसे करेंगे हम बच्चे, क्या हो गया इसमें, सिंगल डिजिट में कैसे करेंगे, क्या हो गया इसमें, आप इसको क्या लोगे, आपके पास 1.3 है ना, आप मिनिमम तीन डिजिट तो चाहिए, तो जीरो ले लो ना, क्या दिक्कत है पॉइंट क्यों। अब आपके पास 13 पे आप जीरो चेक कर लीजिए, ये तो और आसान है, 13 पे जीरो 1139 1139, कितने डिजिट है आपके पास है पॉइंट से पहले बताओ, एक डिजिट है, माइनस एक कर दो तो क्या आ जाएगा जीरो, तो जीरो पॉइंट आपके पास में, ये आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया बच्चे, कोई डाउट। हाँ जी क्लियर है, आप सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। ये देखो इस क्वेश्चन को करना है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोगे क्या इसको, लॉग 0.0048, ये क्या है आपका फिफ्थ वाला, वन है ना, फाइव या फाइव से ग्रेटर नहीं है, तो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर है बच्चे, तो आप बेसिकली वैल्यूज किसकी देखोगे, आप वैल्यू देखोगे बेसिकली बच्चे 48, अभी मेरे पे लॉग टेबल में 48 नहीं है यहां पर, तो थोड़ी अब मैं उसको बुक भी नहीं है, मैं तो उसमें देख करके वैल्यू बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना था मुझे, ऐसे ये पूरा आपका 99 तक आपका रहेगा ये, ठीक है, तो 48 पे आपने देखना था वैल्यू बस, और इसके आगे आपको एक जीरो और कंसीडर कर लेना था, तीन डिजिट में आप उसको एक्सप्रेस कर देते क्योंकि तो 48 ही है ना, ठीक है बच्चे, पॉइंट को तो अवॉइड कर रहे हैं, पॉइंट को अवॉइड कर रहे हैं, तो आपके पास है 48 एंड जीरो, तो 48 पे जीरो देख लेना था आपको। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, और टोटल कितने आपके पास में जीरो हैं, 1 2 3, उतने आप क्या करते बार लगाते, अभी अब जब लॉग टेबल आएगा ना तब उसमें करके दिखाऊंगा मैं आपको। चलो एंटी लॉग, एंटी लॉग एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बहुत इजी है, उसके बाद दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे एंटी लॉग के भी हम। क्लियर है बच्चे, अब एंटी लॉग एक अलग चीज होता है, एंटी लॉग क्या होता है, जब आपके पास में वन अपॉन लॉग हो जाता है, लाइक आपको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन लॉग 2 3 5 4, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी लॉग हो गया ये, या फिर लॉग की पावर -1, या फिर एंटी लॉग,
2, 3, 5, 4. तो एंटी लॉक का टेबल है ना, लॉक टेबल के से अलग होता है वो, आपको एंटी लॉक टेबल भी मिलता है। तो यहां पर लाइक आपको एंटी लॉक कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते भी ऐसे ही जैसे पहले देखा था आपने, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लासेस में इसको आगे आपको कवर करवाऊंगा, ये सब कुछ आपको वैल्यू देखना सिखाऊंगा एंटी लॉग में, 5 डिजिट 4 डिजिट और बेसिक रूल्स भी नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस भी आपसे ट्राई करवाऊंगा जिससे कि लॉग की कैलकुलेशन आपके बेटर हो जाए। तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।